चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। आज का महा उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो हमारे दर्शकों की लगातार हमसे मांग रही है कि उनके ऊपर काफी समय से कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता रहता है, उनको उनके गुरु ने आचार्य ने भी बताया कि आपके ऊपर कई सारे तांत्रिक अभिकर्म किए गए हैं, कोई जादू टोना किया गया है, कोई ऊपरी बाधा आपके ऊपर हो गई है, कहीं किसी की नजर लग गई है या आप तंत्र मंत्र से परेशान हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं मुझसे कि कुछ ऐसे सरल उपाय बताएं जिनसे आप अपनी सुरक्षा कर सकें, उससे प्रतिरक्षण कर सकें। ऐसे उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र जो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए हमारे शास्त्र में, मारण मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, इन सब से बचने का भी बहुत सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। बहुत आसान आसान से उपाय हैं। उपाय पहला तो यह है कि आपको करना यह है, पीली सरसों, गुग्गल, लोबान और गौघृत, इन सबको मिला करके इनकी एक धूप बना लेनी है और सूर्यास्त के एक घंटे के अंदर अंदर, जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्यास्त के समय से लेकर के एक घंटे के अंदर अंदर इनको उपले पर रख करके जला दीजिए और इसका जो धुआं है, इसका धुआं पूरे घर में आप दिखाइए। ऐसा नियमित 21 दिन करने से आपके घर में जो भी बाधा होती है, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई ऊपरी बाधा तंत्र मंत्र है, वो दूर हो जाता है। और ये प्रयोग जो है आप या तो शनिवार से आरंभ करें या रविवार से आरंभ करें या फिर मंगलवार के दिन से आप शुरू करके 21 दिन तक अपने घर में कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक औषधि है और ये हमारी रसोई में, खाने पीने में भी अक्सर महिलाएं यूज करती हैं, जावित्री, गायत्री, केसर, और उसके साथ साथ आपको ये इनको कूट करके गुगल मिला करके धूप बना लेना है। सुबह शाम 21 दिन तक अपने घर में यदि आप इसको नियमित जलाते रहेंगे तो जितने भी तंत्र मंत्र हैं, कितने बुरे से बुरे प्रकार का भी तंत्र मंत्र किया होगा, मारण मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, वो सब समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा उपाय एक और बहुत अच्छा, बहुत आसान लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है, गौ लोचन और तगर थोड़ी सी मात्रा में ला करके लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में आप पूजा स्थान में इसे रख दीजिए। भगवान शिव की कृपा से तमाम टोने टोटके जो हैं उसका असर समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही प्रामाणिक प्रयोग है और इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ला करके उन्हें सिर्फ इन वस्तुओं को अपने घर में रख देना है। जो चौथा प्रयोग है वो और भी अच्छा है, घर में साफ सफाई रखें, वह पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र का आपको छिड़काव करना है, यानी मार्जन करना है, जिसे कहते हैं मार्जन करना। एक पात्र में, आप मिट्टी के पात्र में गौमूत्र ले लीजिए और पीपल के पत्ते से आप उसको अपने पूरे घर में उसकी छींटे मारिए। उसके बाद शुद्ध गुगल व धूप जो भी आपके पास उपलब्ध है वो जला दीजिए। ये प्रयोग भी आप यदि 21 दिन या 45 दिन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शत्रु आपकी सफलता व तरक्की से चिढ़कर के, उससे नाराज होकर के तांत्रिकों द्वारा बहुत सारे तांत्रिक अभिकर्म करा देता है। इससे व्यवसाय में बाधा आती है, व्यक्ति जो है उसके परिवार में गृह क्लेश होने लगता है और आपकी जो उन्नति है वो वहीं रुक जाती है और आप धीरे धीरे अवनति की ओर जाने लगते हैं। अतः इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप 1.25 किलो काले उड़द ले लें और 1.25 किलो कोयला ले लीजिए। काला कोयला आपको लेना है, पत्थर वाला कोयला लेना है। 1.25 मीटर आपको काले कपड़े में बांध करके इन सारी चीजों को अपने ऊपर से 21 बार घुमा करके शनिवार के दिन बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें व मन में हनुमान जी का ध्यान करें। ऐसा लगातार 7 शनिवार यदि आप करते हैं तो किसी भी प्रकार का तांत्रिक अभिकर्म होगा वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर से उतर जाएगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे और जिस तरीके से आप उन्नति के रास्ते पर बढ़ रहे थे आप फिर बढ़ने लगेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए कुछ नीच प्रकार के तंत्र मंत्र लगातार कर रहा है, इस तरीके के प्रयोग लगातार आपके ऊपर किए जा रहे हैं जिनमें मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में पपीते के 21 बीज लेकर के शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा करके आप धूप दीप से उनकी आराधना कर लें तथा शिवलिंग के निकट बैठ करके पपीते के इन बीजों को अपने सामने आप रख लीजिए। अपना नाम गोत्र भगवान शिव के समक्ष उच्चारित करें, भगवान शिव से अपनी रक्षा की गुहार करें व एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और इन बीजों को एकत्रित करके किसी तांबे के ताबीज में आप भर करके अपने गले में या भुजा में धारण कर लें तो किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके ऊपर जो किया जा रहा है वो हमेशा निरस्त होता रहेगा, वो कटता रहेगा, आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान कर रहे हैं तो नींबू को 4 भागों में काट करके चौराहे पर खड़े हो जाइए और अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में एक एक भाग को फेंक दें व घर आकर के अपने हाथ पांव धो करके आप घर में प्रवेश करें।
तांत्रिक अभिकर्म से आपको तत्काल छुटकारा मिल जाएगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार को चार गोमती चक्र अपने सिर से घुमा करके चारों दिशाओं में फेंक देने से भी व्यक्ति के ऊपर किए गए तांत्रिक अभिकर्म का जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाता है। ये जितने भी मैंने आपको प्रयोग बताए ये बहुत ही आसान है। जैसे एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, देखने में छोट लगे किंतु घाव करे गंभीर। तो ये बहुत दिखने में बहुत आसान से हैं कि कहीं पपीते के बीज से आपको कुछ करना है, लेकिन इनके जो प्रभाव है वो बहुत चमत्कारी हैं और वर्षों से इनको इनका लाभ जो है वो जनता ने आम लोगों ने उठाया हुआ है। तो आप ऐसे प्रयोगों को करिए और अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से आप अपने परिवार को, अपने व्यापार को, अपनी उन्नति को सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। और वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।